हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, आज हम रिवाइज करेंगे नीट लेवल का एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर हम यहाँ पे मेन टॉपिक की बात करें तो मेन टॉपिक कौन कौन से, प्लैंक थ्योरी, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर थ्योरी, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें स्पेक्ट्रम वगैरह जो इसके सब टॉपिक्स हैं, देन फिर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, यहाँ से बहुत ज्यादा अब तक क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें टॉपिक का, तो फर्स्ट हम कैथोड रेज और एनोड रेज के बारे में पढ़ें। तो जो कॉमन प्रॉपर्टी थी उनका हम डिस्कशन नहीं करेंगे। कॉमन प्रॉपर्टीज लाइक यहाँ पे जो कैथोड रेज है, एनोड रेज है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होते हैं। जो कैथोड रेज होती है वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती है, इसलिए वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है। एनोड रेज है वहाँ पे कैटायन होते हैं, इसलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती है, मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन होता है, इनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट, बला बला, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज था। ठीक है, हम यहाँ पे मेन बात करेंगे ई बाई एम रेशियो का। अगर हम कैथोड रेज की बात करें तो कैथोड रेज किसके बनती है, इलेक्ट्रॉन से, तो इसके ई बाई एम का रेशियो क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, फिक्स होता है, और ये कितना होता है, 1.7 × 10⁻¹ कूलाम पर केजी। अगर हम एनोड रेज की बात करें तो एनोड रेज के लिए ई बाई एम क्या होता है, वेरिएबल होता है, और जहां पे मास मिनिमम होगा वहां पर ई बाई एम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब आप यहां पे हाइड्रोजन गैस को यूज में लेते हैं तो हाइड्रोजन गैस के डिसोसिएशन से जो H+ आयन बना है उसका मास मिनिमम होगा, मास मिनिमम होगा तो उसके ई बाई एम का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां पर ये बात ध्यान रखें, कैथोड रेस के लिए ई बाई एम का वैल्यू फिक्स होता है, एनोड रेस के लिए ई बाई एम का वैल्यू गैस पर डिपेंड करता है। तो अगर हाइड्रोजन गैस है तो मास मिनिमम होगा, तो ई बाई एम का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा के ई बाई एम का वैल्यू कंपेयर करें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबके ई बाई एम का वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा। तो ई बाई एम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का e कितना है, 1.6 × 10⁻¹⁹, मास कितना, 9.1 × 10⁻³¹ केजी। प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन होता है, हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। मास कितना होता है, कितना, 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। न्यूट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना होता है, जीरो होता है, मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ केजी। और अल्फा ही क्या होता है, हीलियम पार्टिकल ही होता है, Hg2 4, तो इसका जो चार्ज है वो कितना होता है, यहाँ पर 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹, और मास कितना होता है, यहाँ पर 4 times ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसको आप कंपेयर करें तो यहाँ पर ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसका ई बाई एम का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। अब कंपेरिजन करना है, यहाँ पे ये 10⁻³¹ है, ऊपर देखें तो इसको कैंसिल आउट कर दिए 2 times, तो अब ऊपर वाला सबका वैल्यू सिमिलर है, तो नीचे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कंपेयर करेंगे। तो नीचे जिसमें मिनिमम वैल्यू होगा उसका ई बाई एम क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसका वैल्यू तो क्या है, जीरो, सबसे मैक्सिमम ई बाई एम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का। देन इन दोनों में कंपेयर करें किसका ई बाई एम का वैल्यू बड़ा होगा, अब देखिए चार्ज तो दोनों का सिमिलर है, मास यहाँ पे इधर अपोन में ज्यादा है, तो इसका ई बाई एम कम होगा, कंपेरेटिवली इसका प्रोटॉन का ई बाई एम ज्यादा होगा। देन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा और सबसे कम ई बाई एम किसका हो जाएगा, न्यूट्रॉन का हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट कुछ सिंपल डेफिनेशंस की बात करते हैं। आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिनमें प्रोटॉन सिमिलर होता है या फिर एक ही एटम के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर आइसोटोप होते हैं, जैसे हाइड्रोजन का H, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड टिट्रियम, राइट। तो प्रोटॉन सब में सिमिलर है, मास नंबर सबका डिफरेंट है, राइट। तो आइए हो गया आइसोटोप। सेकंड हम बात करें आइसोबार, तो आइसोबार क्या होंगे, जिनका मास सिमिलर होगा बट यहाँ पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट हो, लाइक कैल्शियम आर्गन, कैल्शियम आर्गन का मास 40, कैल्शियम का भी 40, बट एटॉमिक नंबर आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। देन आइसोटोन, आइसोटोन मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सिमिलर, तो यहाँ पे कार्बन 14, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16, ये सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आइसोटोन हो जाएंगे। चेक कर देते हैं, कार्बन का एटम नंबर 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, तो यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें कितना होगा, 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब में क्या होगा, सिमिलर होगा। देन बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, ऐसे स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सिमिलर हो, यहाँ पर देख लेते हैं नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन F-, नियोन Na+, Mg2+, ये सब क्या होंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे, बिकॉज इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नेक्स्ट बात करें आइसोस्टर्स,
आइसोस्टर्स क्या होते हैं? ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ एटम भी सिमिलर हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर हो। एग्जांपल देखना CO2 एंड N2O। नंबर ऑफ एटम की बात की, कितना एटम है? 3 एटम है, इधर भी 3 एटम है। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, कार्बन में कितना होता है? 6, ऑक्सीजन में कितना होता है? यहां पर 16, तो ये कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। इधर बात करें 14 प्लस 8, तो ये भी कितना हो जाएगा? 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होंगे? आइसोस्टर्स होंगे। नेक्स्ट हम बात करें आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस क्या हो, सिमिलर हो, ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर्स बोलते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट बात क्या है? आइसोडाइफर्स। आइसोडाइफर्स क्या होते हैं? जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस क्या हो, सिमिलर हो। तो ऐसी स्पीशीज जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंस सिमिलर हो, क्या बोलते हैं? आइसोडाइफर्स। एग्जांपल देख लें, कार्बन बोरॉन 11 एंड कार्बन 13। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्रोटॉन कितना है, बोरॉन में एटम नंबर 5, कार्बन में 6, तो इसमें 5 प्रोटॉन, इसमें 6 प्रोटॉन। इसमें अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें कितना होगा, 11 माइनस 5 6 न्यूट्रॉन, और 13 माइनस 6 7 न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो ये एग्जांपल्स आपसे जनरली पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो इनकी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शन से हटाएंगे तो क्या होगा? न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। नेक्स्ट हम बात करें प्लैंक थ्योरी में। प्लैंक थ्योरी में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी के बारे में यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर क्या बोला था कि जो प्लैंक थ्योरी में बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनकी जो एनर्जी है उनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शन से हटाएंगे तो क्या होगा? इक्वल टू एच न्यू, और न्यू पुट कर दें इक्वल टू एस सी बाय लैम्डा, राइट। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो ये क्या होगा? इनकी एनर्जी जो होगी वो किसके बराबर? एस सी बाय लैम्डा के बराबर होगी। जो लाइट होती है वो भी एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो अगर आपको किसी एक लाइट के फोटोन की जो लाइट होती है वो स्मॉल स्मॉल पैकेट से मिलकर बनी होती है, और जो सबसे छोटा पैकेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। तो जो लाइट का जो सबसे छोटा पार्टिकल उसको फोटोन या आप क्वांटा टर्म से यूज में ले सकते हैं। तो जो फोटोन का एनर्जी होता है वो एस सी अपॉन लैम्डा के डायरेक्टली एस सी अपॉन लैम्डा के इक्वल होता है। अब किसी सोर्स से निकलने वाली टोटल एनर्जी आपको बतानी है तो उससे कितने फोटोन निकल रहे हैं वो काउंट कीजिए, तो आपको एनर्जी ऑफ सोर्स पता लग जाएगा। तो एनर्जी ऑफ सोर्स क्या होगा? एन इंटू एस सी अपॉन लैम्डा। एन क्या होंगे यहाँ पे? कितने नंबर ऑफ फोटोन का एमिशन यहाँ से हो रहा है किसी पर्टिकुलर सोर्स से, जितने फोटोन बाहर निकल रहे होंगे उन सबके फोटोन की एनर्जी का सम क्या होगा? उस सोर्स की एनर्जी के बराबर रहेगा, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सा? कॉस्मिक, गामा, एक्स रे, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो एंड रेडियो। तो ये क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इनको हमने अरेंज किया हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। तो आप यहां से लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बिकॉज एनर्जी क्या है यहाँ पे? वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो नाम से क्लियर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटोन की हेल्प से हम क्या करना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाह रहे हैं, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं। तो इसमें क्या असेंबली था कि हमने यहाँ पर मेटल लिया, मेटल की सरफेस पे क्या किया? फोटोन को स्ट्राइक किया। तो फोटोन में क्या होता है यहाँ पे? कुछ एनर्जी होती है। फोटोन भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं, बिकॉज दोनों में ही यहाँ क्या होती है? एनर्जी होती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फोटोन के ऊपर, मेटल के ऊपर फोटोन को स्ट्राइक करते हैं। यहाँ पे कौन से मेटल लिया जाता है? जनरली सीजियम, पोटेशियम, जिनका आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? कम होता है। तो हम यहाँ पर फोटोन या इस मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं। ये फोटोन क्या करते हैं? अपनी एनर्जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होगा, डिटेक्टर पे आएगा, और यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होने से करंट का फ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पे जो फोटोन बाहर निकल रहे हैं उनके लिए हम क्या बोलते हैं कि जो फोटोन यहाँ पर, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनके लिए हम क्या बोलेंगे कि जो फोटोन है उसको हमें कुछ एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी। इस फोटोन से कुछ एनर्जी यहाँ सप्लाई होगी, वो फोटोन क्या करेगा? अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन है
वो किसके बराबर होगा, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मेटल की सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वर्क फंक्शन बोलेंगे। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटॉन माइनस वर्क फंक्शन के बराबर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करेगा, इस फोटोन की एनर्जी पर, कि इस फोटोन का एनर्जी कितना है, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमआर होगा इलेक्ट्रॉन का, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको वेरी करने हैं, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने हैं, इजेक्शन ज्यादा इलेक्ट्रॉन का करना है, तो ज्यादा फोटोन आपको यहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक फोटोन के थ्रू या एक ईएमआर के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। तो अगर आपको ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करना है तो ज्यादा फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करना पड़ेगा। मीन्स जो भी सोर्स है उसकी इंटेंसिटी यहाँ पे बढ़ानी पड़ेगी। इंटेंसिटी मीन्स जो फोटोन यहाँ पर मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करने वाले हैं वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन बढ़ेगा तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा होगा, यहाँ पे एक एमिटर भी होगा जो बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन बढ़ेगा तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट फ्लो होगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होगा उतने ज्यादा करंट का यहाँ पर फ्लो होगा। तो यहाँ पर हम और क्या बोल सकते हैं, एनर्जी फोटोन एससी अपॉन लैम्डा, इसको लिखा जा सकता है इक्वल टू वर्क फंक्शन एससी अपॉन लैम्डा नॉट। अच्छा यहाँ पे दो और बातें करें, जो वर्क फंक्शन होता है वो किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट के बराबर। न्यू क्या होगा यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट क्या होगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो मिनिमम कितना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वेवलेंथ क्या होगा, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वेवलेंथ। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो ये सारा क्या है, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लैम्डा और फोटोन इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या होगा, एस सी अपॉन लैम्डा माइनस एस सी अपॉन लैम्डा नॉट। एस सी आप कॉमन ले लीजिए तो काइनेटिक एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन और क्या होगा, एस सी लैम्डा लैम्डा नॉट, एलसीएम ले लीजिए लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। तो ये क्या होगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट। तो चलिए जो भी हमने कॉन्सेप्ट देखा है उसके बेसिस पे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन गिवन आपको, द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो आपको वेवलेंथ दे रखा है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो न्यू क्या होगा यहाँ पर, सी बाय लैम्डा। न्यू इक्वल टू सी कितना है, 3 × 10⁸। वेवलेंथ कितना है आपको, वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर, नैनोमीटर 10⁻¹. तो नैनोमीटर को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ अपॉन 6 × 10⁻¹. तो 7 पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो 1/2 × 10⁻¹⁵, या फिर 5 × 10⁻¹⁴ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है आपको, द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर पूछा गया है। तो वेव नंबर क्या होगा यहाँ पर, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ के बराबर, राइट। तो 1/λ की जगह आप क्या पुट कर देंगे, वेव नंबर। तो न्यू क्या हो जाएगा, सी इंटू वेव नंबर। तो वेव नंबर आपको निकालना है तो न्यू अपॉन सी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 × 10⁴ अपॉन सी कितना होगा, 3 × 10⁷. तो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻³ अपॉन 3, राइट। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, वेव नंबर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन आपको, वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको एनर्जी दे रखी है, ठीक है। तो उसके लिए पहले इधर समझिएगा कि हमने एनर्जी ऑफ फोटोन निकाला है प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग, एच सी अपॉन लैम्डा। जो एच होता है प्लैंक कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू क्या होता है, 6.62 × 10⁻³⁴ जूल × सेकेंड।
तो राइट, और सी क्या होगा यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ किस में पुट करेंगे, मीटर में। तो अगर हम यूनिट की बात करें, एच की यूनिट क्या है, जूल इंटू सेकेंड, सी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड अपॉन मीटर, तो मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है यहाँ पर, जूल में होता है। ठीक है, अब अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना चाहें तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। तो अगर हम यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 जूल क्या होगा, 1/1.6 × 10⁻¹⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, तो अगर हम यहाँ पे प्लेस कर दें तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, एच का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 6.62 × 10⁻¹⁴, 3 का वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन वेवलेंथ, अगर एंगस्ट्रॉम में गिवन है तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻¹⁰ से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, 1/1.6 × 10⁻¹⁹, तो ये आपको एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर यहाँ पे जो भी नॉन चीजें हैं उन सबको आप पुट कर दें तो एनर्जी ऑफ फोटोन आपको मिल जाएगा 1,2,4,00 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको क्या मिल जाता है, एनर्जी ऑफ फोटोन मिल जाता है। तो एनर्जी ऑफ फोटोन अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाइए, 1,2,4,00 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम। तो आपको यहाँ पे बोला गया है वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन हैविंग एन एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एनर्जी गिवन है, वेवलेंथ पूछा है, तो यहाँ पे वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम क्या होगा, 1,2,4,00 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वेरी गुड कीजिए, 1,2,4,00 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना गिवन है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, तो कितना हो जाएगा, 6,2,00 एंगस्ट्रॉम आपको इसका वेवलेंथ मिल जाएगा। अगर मीटर में चेंज कर दें तो कितना होगा, 6,2,00 × 10⁻¹⁰ मीटर, या फिर 6.2 × 10⁻¹⁷ मीटर। ये क्या मिल जाएगा आपको, वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, नेक्स्ट गिवन आपको, 1 क्वांटम इज एब्सॉर्ब्ड पर गैसेस मॉलिक्यूल ऑफ X2 फॉर कन्वर्टिंग इनटू X एटम, इफ लाइट एब्सॉर्ब हैव वेवलेंथ 1,2,4,0 एंगस्ट्रॉम, द बैंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ X2 विल बी। तो आपको यहाँ पे पर मॉलिक्यूल एनर्जी कैलकुलेट करना है या पर मोल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए आपको वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल को ब्रेक होने के लिए एक फोटोन एब्सॉर्ब होगा, तो हम एक फोटोन की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करें, 1,2,4,00 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम, तो कितना होगा, 1,2,4,00 अपॉन वेवलेंथ इन एंगस्ट्रॉम कितना होगा यहाँ पे, कितना, सॉरी, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, वेवलेंथ आपको गिवन है 1,2,4,0 एंगस्ट्रॉम, तो कितना होगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक फोटोन का एनर्जी है पर फोटोन, तो एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। आप चाहें तो यहाँ पर एनर्जी पर मोल में भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मिला, तो एनर्जी ऑफ फोटोन या पर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी रहेगा, 10 × 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, तो ये जूल में मिला पर मॉलिक्यूल। एक फोटोन का एनर्जी एक मॉलिक्यूल को ही ब्रेक करेगा, इसको एक मोल के लिए देखना चाहें तो कितना होगा, 10 × या फिर कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई किया, 16 × 19 × 6.02 × 10⁻²³ जूल पर मोल। तो यहाँ पे एक मोल को ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट गिवन है आपको, द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ 0 वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी अबव। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, तो अगर हम बात करें फोटो इफेक्ट के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 वेलोसिटी रखना है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv², तो अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होना चाहिए, वर्क फंक्शन के बराबर होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब बोला है द वर्क फंक्शन फॉर अ मेटल इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन कितना रखना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ताकि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या हो, 0 हो, वेलोसिटी 0 हो। टू इजेक्ट अ फोटो इलेक्ट्रॉन
of zero velocity from the surface of the metal, the wavelength of incident light should be above. तो यहाँ पे wavelength आप कैसे निकालेंगे? आपको ये कितना है? 4 electron volt. तो lambda n angstrom कितना हो जाएगा? 12400 upon energy of photon in electron volt. तो कितना होगा? 12400 upon energy कितना है? 4. तो ये कितना होगा? 3100 angstrom. तो 3100 angstrom अगर यहाँ पर wavelength आप supply कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो जीरो काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट गिवन आपको, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल इज 3.31 × 10⁻²⁰ जूल. वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन नॉट फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एक्स. अब देखिए कौन सी वेवलेंथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बाहर, कौन सी वेव इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल नहीं सकती जिसकी एनर्जी यहाँ पर कम हो, एनर्जी कम हो या फिर वेवलेंथ ज्यादा हो, बिकॉज एनर्जी क्या होती है? एस सी अपॉन लैम्डा होती है, ठीक है? तो आपको बोला है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस 3.31 × 10⁻²⁰ जूल. वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन नॉट फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना है, तो हम क्या करें? पहले वो वेवलेंथ निकालें जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है. तो लैम्डा क्या होगा? एस सी अपॉन ई. एच कितना है? 6.62 × 10⁻³⁸ × 3 × 10⁻⁸ अपॉन एनर्जी कितना है यहाँ पर? एनर्जी आपको गिवन है कितना? 3.31 × 10⁻²⁰. तो ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 ऊपर आएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 2 × 10⁻³⁴ × 10⁻²⁸, राइट? तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁶ लैम्डा आपको दे रखा है, ठीक है? सॉरी ये कितना है? 6 हो गया ना, 6 × 10⁻³⁸ × 10⁻²⁸, यानी 6 × 10⁻⁶ या 6 माइक्रोमीटर भी आप इसको बोल सकते हैं. तो अगर 6 माइक्रोमीटर है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपको बोला है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन. तो इतनी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पा रहा है, तो इतनी वेवलेंथ से भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो पाएगा. बट आपको बोला है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन नॉट फोटो इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो इनमें से कौन सी लाइट होगी जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं कर सकता हो? तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी को कम कर दें, एनर्जी को कम कैसे किया जा सकता है? कि हम वेवलेंथ को बढ़ा दें. तो अगर वेवलेंथ यहाँ पर 6 माइक्रोमीटर से ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन का फोटो इजेक्शन यहाँ पर नहीं हो पाएगा. तो इलेक्ट्रॉन का फोटो इजेक्शन आपको रोकना है, तो यहाँ पे वेवलेंथ आपको 6 माइक्रोमीटर से ज्यादा देनी पड़ेगी. तो चार ऑप्शन गिवन है, 4 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर एंड 5 माइक्रोमीटर. तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन ना हो? 7 माइक्रोमीटर. नेक्स्ट गिवन है आपको, कॉपर मेटल फॉर्म्स 4.8 कैन शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन. तो यहाँ पे कितना वेवलेंथ रखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको मिल जाए? तो वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, तो वर्क फंक्शन आपको दे रखा है, तो यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन आप निकाल सकते हैं. तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा यहाँ पर? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन बाहर होगा, यानी अगर आप 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन यहाँ पे मेटल की सरफेस पे डाल दें तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकलेगा बट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी. तो आपको वही बताना है कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब बनेगा. तो यहाँ पर पहले हम देख लें इसमें कितना वेवलेंथ है, तो लैम्डा कितना होगा? 12400 upon 4.8. तो कितना मिल रहा है? 12400 upon 4.8 से 3000 एंगस्ट्रॉम. तो अगर वेवलेंथ यहाँ पे 3000 एंगस्ट्रॉम हुआ तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तो होगा बट विद जीरो काइनेटिक एनर्जी. आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताना है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकले और वहां पर डिटेक्टर तक भी जाके पहुंच जाए. तो डिटेक्टर तक पहुंचाना है तो आपको इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी रखना ही पड़ेगा. यानी इसका मीन्स जो आप फोटोन यहाँ पर दे रहे हैं वो कितना होना चाहिए? 4.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी वाला होना चाहिए. तो अभी हमने क्या बोला? इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा. तो अगर लैम्डा 3000 एंगस्ट्रॉम है तो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तो होगा बट जीरो काइनेटिक एनर्जी. बट आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को बढ़ाना है तो वेवलेंथ को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 3000 एंगस्ट्रॉम से अगर आप कम वेवलेंथ वाला एनर्जी सप्लाई करेंगे, कम वेवलेंथ वाला वेव यहाँ पे फोटोन, कम वेवलेंथ वाला फोटोन देंगे तो वहां पे एनर्जी क्या होगी? फोटोन की बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको मिलेगा. तो देख लीजिए चार ऑप्शन में से किस में से यहाँ पर वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम से कम है, वही आपका यहाँ पर आंसर. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बोर्ड थ्योरी का. क्या है बोर्ड थ्योरी? कि यहाँ पे बोर्ड ने हमें बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वहां पे वो अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करता, कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता जाता है.
इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो उस पे दो बैलेंस फोर्स लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होता है, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो उसकी वेलोसिटी की वजह से होता है, राइट। उसके अलावा यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताया था, तो हम दोनों बातें एक बार साथ लेके चलते हैं। तो अजम्पशन क्या था कि इलेक्ट्रॉन पे दो बैलेंस फोर्स लगते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वो किसकी वजह से होता है, कूलम्बिक फोर्स होता है, जो यहाँ पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होता है। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो किसकी वजह से, यहाँ पर वेलोसिटी की वजह से होता है, वो एम स्क्वायर अपन आर के बराबर होता है। सेकंड एजम्पशन क्या था कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एम वी आर, वो किसके बराबर, एन एच अपॉन 2 पाई के इक्वल होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इलेक्ट्रॉन जब भी यहाँ पर रिवॉल्व होता है तो वो ना तो अपनी एनर्जी को लूज करता है ना एनर्जी गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी में मूव करता है तो या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है तो वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, और अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो एनर्जी का एमिशन करता है। इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो यहाँ पे क्या बोला है कि हर ऑर्बिट, जिस भी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको क्या बोला है यहाँ पे, ऑर्बिट, राइट। एनर्जी लेवल बोला है, उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में जाता है तो उनके डिफरेंस के बराबर ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या एमिट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, और अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो यहाँ पे भी क्या करेगा, एनर्जी का एमिशन करेगा, राइट। तो यहाँ पर E2 माइनस E1 के बराबर ये एनर्जी होगी। अब जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है वो फोटोन की फॉर्म में करता है यानी EMR की फॉर्म में, और जो एमिशन होता है वो भी फोटोन की फॉर्म में या EMR की फॉर्म में ही एमिशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं इसमें कि जो बोर्ड थ्योरी है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें बताई थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके अंदर किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा, और जिस भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ठीक है। सॉरी, उस ऑर्बिट का अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा। तो हम यहाँ पे बोर थ्योरी की बात के अकॉर्डिंग फर्स्ट बात करते हैं, बोर रेडियस का या रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो जो रेडियस था वो किसके बराबर था, आर 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। ये वैल्यू आप बिल्कुल ध्यान रखें। तो जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा, एन क्या है नंबर ऑफ शेल और जेड क्या है एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा मीन्स इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो वहां पे रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे जेड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा तो वहां पे एन का वैल्यू, यहाँ पे रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, वो आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। सेकंड हम बात करें वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ पे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है उसके अंदर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी कितना होता है 2.18 × 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है, राइट। नेक्स्ट थर्ड बात करें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, तो हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी कितना होता है −13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, राइट। अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻¹⁹ पुट कर दीजिएगा तो ये आपको जूल में टोटल एनर्जी मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को आप इनफाइनाइट पर लेके जाते हैं तो यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो किसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो जब यहाँ पर टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगा तो न्यूक्लियस का उस पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला गया, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पर है यानी एटम से बाहर है तो वहां पे उसका टोटल एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन ले तो टोटल एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये दोनों रिलेशन भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम की। एनर्जी लेवल डायग्राम हमें क्या बताता है कि हम यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के किसी भी ऑर्बिट किसी भी एटम के लिए बात करें तो वहां पे पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी क्या क्या होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर
कि अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करें तो एनर्जी लेवल डायग्राम में यहाँ पर जो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम इनफाइनाइट लेते हैं। इनफाइनाइट मीन्स इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चला गया, ये 1, 2, 3, 4, 5 फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरीके से। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल या ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के यानी n इक्वल टू 1 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट। n 1 से ऊपर जो भी ऑर्बिट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्या होगा, ये सारी क्या होंगी, एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, अगर हम बात करें जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को हमने फर्स्ट टाइम एक्साइट किया तो यहाँ पे हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। सपोज यहाँ पे एनर्जी E1, E2, E3, E4, E5 है तो यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कितना होगा, इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के बराबर का एनर्जी आपको देना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें तो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी कितना होगा, -13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ फर्स्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, हाइड्रोजन एटम के अंदर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। सेकंड शेल में हम बात करें तो एनर्जी क्या होगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। थर्ड शेल में हम बात करें तो एनर्जी क्या होगा, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। फोर्थ शेल में अगर हम बात करें तो एनर्जी कितना होगा, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। राइट, तो अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड स्टेट में भेजना है तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पर इधर कितना एनर्जी देना पड़ेगा, डेल्टा E2 - E1 के बराबर। तो E2 कितना है, -3.4, E1 कितना है, -13.6, तो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर आपको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके सेकंड शेल में भेज दो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। राइट, तो यहाँ पे जो एनर्जी देनी पड़ेगी हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाए उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड में भेजना है, थर्ड यानी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। अगर फर्स्ट से फोर्थ में भेजना है तो यहाँ पे थर्ड एक्साइटेड स्टेट में भेजना है तो इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। राइट, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इनकी एक्साइटेड स्टेट को हम बात कर एक्साइटेशन एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में भेजने के लिए जो एनर्जी लगेगी, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में भेजने के लिए जो एनर्जी लगने वाली है उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। राइट, चलिए इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड स्टेट ऑर्बिट ऑफ Hg+ Li2+ एंड B3+ इज, तो सेकंड ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो आपको बताना है। तो रेडियस क्या है यहाँ पर, 0.529 n² / z angstrom। तो यहाँ पे n तो क्या है सभी के लिए, यहाँ पर सेकंड ऑर्बिट की बात की है तो रेडियस क्या होगा, 1/z के प्रोपोर्शन होगा। n तो सबका सिमिलर है तो रेडियस 1/z के प्रोपोर्शन होगा। तो आपको रेडियस ऑफ Hg+ एंड रेडियस ऑफ Li2+ एंड रेडियस ऑफ Be3+ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोर थ्योरी है केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही हम बात करते हैं, इसलिए यहाँ पे सभी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है तो इनका वैल्यू सबके लिए क्या है, सिमिलर। जेड का वैल्यू क्या होगा, 1/2, 1/3 एंड 1/4 क्या होगा, 4। तो 1/2, 3, 4 ये आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस का रेशियो मिल जाएगा। इसको होल नंबर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 12 से सबको मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा यहाँ पर, 6:4:3। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, हीलियम Hg+ Li2+ और Be3+ की रेडियस के बीच में आपको रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपको क्यों है, विच स्टेट of triple ionized beryllium B3+ has the same orbit radius as that of ground state of hydrogen atom। तो यहाँ पे आपको दो का radius similar करना है, तो radius of H+ किसके, sorry hydrogen किसके equal करना है, radius of Be3+, दोनों का radius आपस में बराबर करना है। तो इसके लिए हम formula put करते हैं, 0.529 n² / z = 0.529 n² / z ऑफ
BE 3 plus 0.5 to 9 से 0.5 to 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे बोला है व्हिच स्टेट ऑफ ट्रिपल ई, तो n का वैल्यू यहां पे बेरिलियम के लिए आपको बताना है सेम ऑर्बिट रेडियस एज दैट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो n का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितना है 1 अपॉन z का वैल्यू 1 इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z का वैल्यू बेरिलियम के लिए कितना होता है 4 होता है राइट। तो यहां पर n का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो अगर सेकंड ऑर्बिट है यहां पर, तो यहां पर सेकंड ऑर्बिट का रेडियस BE3+ का फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस के बराबर होगा हाइड्रोजन एटम के, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2.18 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, व्हाट इज इट्स वैल्यू इन थर्ड ऑर्बिट। तो अगर आपको फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी गिवन है, तो थर्ड ऑर्बिट का वेलोसिटी पूछा गया है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2.18 × 10⁶ z / n, तो यहां पे मीटर पर सेकंड, तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगा n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो यहां पे z तो आपको सेम रखा गया है, हाइड्रोजन एटम के लिए ही पूछा गया है, तो हम क्या करें v1 / कौन सी ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में किसके बराबर होगा 3/1 के रेशियो के बराबर। तो v1 फर्स्ट ऑर्बिट में यहां पे वेलोसिटी कितना गिवन है 2.18 × 10⁶ / v3 कितना हो जाएगा 3/1 के बराबर। तो v3 कितना होगा यहां पर 2.18 × 10⁶ / 3, तो ये कितना मिल जाएगा 7.27 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आप वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो टू सक्सेसिव ऑर्बिट के अंदर यहां पर एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो किसके बराबर nh/2π के बराबर। तो टू सक्सेसिव ऑर्बिट के लिए आपको देखना है, तो यहां पे किसी भी दो ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस देख लीजिए। तो यहां पर सपोज n4 − n3 सक्सेसिव लेना है, कोई भी सक्सेसिव लीजिए, तो n का वैल्यू क्या होगा 4h/2π - 3h/2π, तो ये क्या होगा h/2π ही होगा। तो अगर आप 3 और 2 लेते तो भी h/2π होता, 2 और 1 लेते तो भी h/2π ही होता, तो यहां पे डिफरेंस सब में क्या रहेगा सिमिलर ही रहेगा। नेक्स्ट बोला गया है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ गिवन ऑर्बिट इज j, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, तो काइनेटिक एनर्जी आपको यहां पर दे रखा है। तो एंगुलर मोमेंटम किस टर्म में बताना है आपको, यहां पर j और m की टर्म में आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ½mv² होता है, तो एंगुलर मोमेंटम j क्या होगा यहां पर mvr nh/2π। तो जो ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर सोचना है। तो ये जो ऑप्शन से उसमें यहां पर j की टर्म में गिवन है और m की टर्म में आपको आंसर गिवन है nh/2π, तो कहीं पर है ही नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी आपको किसकी टर्म में दे रखा है यहां पर, एंगुलर मोमेंटम की टर्म में और m की टर्म में। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर m को क्या पुट कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सॉरी m को क्या पुट कर सकते हैं m इक्वल टू j/vr राइट। तो m को पुट कीजिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहां पर j ½ × j/v × r × v, तो ये v² जो कितना होगा यहां पर ½ × j/j/v/r। तो ऐसा कोई ऑप्शन गिवन है क्या, आपको कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा ट्राई करते हैं, हम यहां पे क्या बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा mvr। तो यहां पे हम यहां पे काइनेटिक एनर्जी को डेराइव करने की कोशिश करते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा यहां पे क्या होगा ½mv² के बराबर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, ऐसा कोई टर्म दे रखा है क्या जहां पे m हो रहा है, यस हम क्या करें यहां पे j² करते हैं, तो j² क्या होगा m²v²r² j²/2 की बात करें तो क्या होगा m²v²r²/2, आपको क्या चाहिए ½mv², तो j²/2 क्या होगा यहां पर ½mv² × mr², तो ½mv² क्या होगा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा j²/2mr², तो कोई यहां पर मैच कर रहा है क्या, देख लीजिए j²/2mr² फर्स्ट ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इन टर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम j²/2mr² हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट गिवन आपको एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड बॉर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एक्स, एंगुलर मोमेंटम आपको एक्स दे रखा है सेकंड ऑर्बिट का, देन एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+। तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें क्या होता है, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π। तो आपको बोला है यहां पर एंगुलर मोमेंटम सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आपको गिवन है x, राइट। तो सेकंड ऑर्बिट का मींस क्या हुआ, 2h अपॉन 2π, राइट। अब यहां पे बोला है द एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मींस क्या हो गया, सेकंड स्टेट ही हुआ ना, सेकंड स्टेट। तो सेकंड स्टेट में यहां पर किसके लिए, Li2+ के लिए। तो यार z पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा है। तो ये कितना होगा सेकंड स्टेट पे, 2h अपॉन पाई ही, 2π ही होगा, मींस x ही होगा। तो आपको बोला था यहां पे सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो ये x ही रहने वाला है। नेक्स्ट बोला गया है आपको In hydrogen atom, energy of first excited state is -3.4, then kinetic energy of the same orbit of hydrogen atom is। तो अगर आपको kinetic energy का यहाँ पर relation पता है potential को total energy के साथ, तो definitely आप यहाँ पे answer बता पाएंगे। तो क्या होता है, total energy is minus of kinetic energy। तो kinetic energy आपको कितना दे रखा है यहाँ पर, sorry, total energy दे रखा है -3.4। तो kinetic energy क्या होगा, minus of total energy यानी 3.4 plus 3.4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल टिप्स पर क्वेश्चन था। नेक्स्ट गिवन आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Hc+, देन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मींस सेकंड स्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन नहीं होती तो भी आप हाइड्रोजन के सेकंड स्टेट का टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। ई टोटल क्या होगा यहाँ पर, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एन क्या होगा यहाँ पर, हाइड्रोजन के कौन से स्टेट की बात की, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सेकंड स्टेट की बात हो रही है। -13.6 इंटू जेड यानी 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर टोटल एनर्जी मिल जाएगी हाइड्रोजन एटम में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट गिवन है आपको इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज -3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड स्टेट इन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन पता है तो डेफिनेटली यहां से आप आंसर बता पाएंगे। तो टोटल एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो आप यहाँ पे बता पाएंगे इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो पता है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -3.02। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा, -3.02 अपॉन 2 मींस -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कौन सी स्टेट का एनर्जी होता है हाइड्रोजन के लिए। अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम पता है तो आपको कम से कम हाइड्रोजन के तो सभी स्टेट का, इनिशियल 4 स्टेट का एनर्जी तो पता ही होना चाहिए। तो -1.51 कौन से स्टेट का एनर्जी होता है ये, अगर ये आपको पता है तो आप बता पाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में है। तो अगर हम फर्स्ट स्टेट की बात करें हाइड्रोजन के, तो कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड स्टेट की बात करें तो क्या होता है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड स्टेट की बात करें तो क्या होता है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्थ स्टेट की बात करें तो कितना होता है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन कौन से स्टेट में होगा, यहाँ पे थर्ड स्टेट के अंदर होगा। बट आपसे पूछा क्या गया है, एक्साइटेड लेवल पूछा गया है, एक्साइटेड स्टेट पूछा गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तो ये n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ये ग्राउंड स्टेट होता है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थर्ड शेल में है, यानी कौन सी एक्साइटेड स्टेट होगी, यहाँ पर सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+। यस, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आपको गिवन है हाइड्रोजन एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी, तो Li2+ का आयोनाइजेशन एनर्जी बोला है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसको बोलते हैं माइनस ऑफ E1, राइट। क्या कि इलेक्ट्रॉन सपोज ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 होगा, तो 1 में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें, तो हाइड्रोजन एटम का
ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट पे ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इनफाइनाइट पर टोटल एनर्जी कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, जीरो होता है। तो ये -13.6 यहाँ पर है, आपको यहाँ पे इसको जीरो करना है तो कितना देना पड़ेगा +13.6। तो किसी भी एटम का अगर आपको आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है तो उसके ग्राउंड स्टेट का एनर्जी देख लीजिए कितना है, उतना ही पॉजिटिव एनर्जी आपको देना होगा, राइट। तो यही आपको दे रखा है, हाइड्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है +13.6। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li2+, तो Li2+ के लिए आप क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट का एनर्जी देख लीजिए कितना होगा -13.6 Z² / N² मींस -13.6। जल कितना है यहाँ पे, लिथियम का 3² / 1² मींस कितना होगा 9 × तो कितना होगा -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतना एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में है, अब उसको जीरो करना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इतना एनर्जी उसको प्लस में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है आपको The binding energy of third orbit of hydrogen-like species 13.6, then species must be. तो binding energy क्या होता है? किसी भी state से electron को infinite पर भेजने के लिए, अगर ground state है और infinite पर भेजना है तो उसे हम ionization energy बोलेंगे। ground state के अलावा अगर कोई दूसरा वहाँ पर state है तो उसे हम क्या बोल देंगे? binding energy बोल देंगे। आपको बोला है the binding energy of third orbit. Third orbit means यहाँ पे अगर हम energy की बात करें, third orbit का कितना होगा -13.6 Z² / N², ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला है, मींस थर्ड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे कितना एनर्जी लग रहा होगा 13.6, यानी वहां पे उस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा -13.6। तो यहाँ पे E3 कितना होगा, कौन से स्टेट के लिए, थर्ड स्टेट के लिए E3 कितना है -13.6, ठीक है। एन का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 3, तो -13.6 से -13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, एन का वैल्यू पुट कर दीजिए Z² = 3² तो जेड कितना होगा यहाँ पे 3, यानी कौन से एटम के लिए बात की जा रही, कौन से एलिमेंट के लिए बात की जा रही जिसका जेड क्या हो यहाँ पर 3 हो, यानी ये कौन सा एलिमेंट होगा, लिथियम होगा। कौन सा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाला, लिथियम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का होता है जब Li2+ होता है, तो Li2+ यहाँ पर आपका आंसर होगा, बट ऑप्शन में आपको Li+ गिवन है, वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं है, बोर थ्योरी केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल है, तो इसलिए आपको आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन आपको द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोलाइट एटम इज 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले खुद से सॉल्व कीजिए। तो आपको बोला है द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को सेकंड स्टेट में भेजना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मीन यानी सेकंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट स्टेट में भेजना है, सॉरी सेकंड स्टेट में भेजना है, तो वहां पे एनर्जी कितने रिक्वायर्ड है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ द आयन। तो यहाँ पर आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में भेजना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डेल्टा ई किसके बराबर होगा, E2 - E1, यानी 40.8 इनका डिफरेंस होगा, और E2 क्या होगा यहाँ पे -13.6 Z² / N² कितना है 2², और ये यहाँ पे कितना होगा एक्साइटेड स्टेट, E1 कितना होगा यहाँ पर -13.6 Z² / 1², तो दोनों का डिफरेंस लेने E2 कितना होगा यहाँ पे -13.6 Z² / 4 -13.6 Z² / 1, डिफरेंस ले लीजिए कितना होगा ये 13.6, कॉमन ले लीजिए Z² भी कॉमन ले लीजिए 1 - 1/4 यानी 3/4, ये किसके बराबर है 40.8 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर Z² आपको निकालना है तो Z² क्या होगा 40.8 × 4/3 × 13.6, तो जेड यहाँ से निकाल लीजिए, रूट ले लीजिएगा 40.8 × 4/3 ×
13.6, तो मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा 40.8 के लगभग आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया तो रूट 4 कितना होगा 2 हो जाएगा। यानी ये कौन से एलिमेंट के लिए बात की जा रही है जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो 2 हो। ठीक है, अब आपको बोला है एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट से निकालने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होता है, जितना फर्स्ट ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होता है उतना ही बट पॉजिटिव, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना होगा पॉजिटिव 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट के लिए बात की जाती है 13.6 इनटू 2 स्क्वायर में 13.6 इनटू 4, तो ये कितना होगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है लोअर एनर्जी लेवल में आता है तो वहां पे नंबर ऑफ वेवलेंथ वहां पर एमिट होती है, तो जो भी वेवलेंथ एमिट हो रही है उनको एक पर्टिकुलर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में अरेंज करना ही क्या कहलाता है स्पेक्ट्रम कहलाता है। राइट, तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है तो वहां पे कितना एनर्जी एमिट होगा उसका हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है तो एनर्जी का एमिशन करेगा, और लोअर से अगर हायर में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो जो भी एनर्जी एमिट होगी या जो भी एब्जॉर्ब होगी वो किसके बराबर, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही होगी, तो डेल्टा ही क्या होगा E2 माइनस E1। तो अगर हम E2 की बात करें कितना होगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, और कितना होगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, तो डिफरेंस देखें तो डेल्टा ई कितना होगा यहाँ पर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, तो डिफरेंस दे लीजिए तो डेल्टा ई क्या होगा यहाँ पर 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, जो N1 होगा वो लोअर एनर्जी लेवल होगा और N2 होगा वो हायर एनर्जी लेवल होगा, तो ये फॉर्मूला तब भी यूज में ले सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आ रहा हो या लोअर से हायर में जा रहा हो, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल है। अब जो एनर्जी का एमिशन होगा किस फॉर्म में होगा फोटोन की फॉर्म में, तो फोटोन का एनर्जी क्या होगा एससी अपॉन लैम्डा, तो इसको आप क्या ले सकते हैं 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, तो यहां से आप लैम्डा निकाल सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा यानी वेव नंबर किसके बराबर 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एससी 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, यहां पे किसमें हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 13.6 जेड स्क्वायर, अगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उसको आप वैल्यू पुट कर देंगे 1.6 इनटू 10 टू पावर माइनस 19, तो ये 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एससी ये सब क्या है कांस्टेंट है, तो इनकी जगह हम पुट कर देंगे एक नया कांस्टेंट 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच, जो कि क्या होगा रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर मीटर इनवर्स, तो जो आर एच होता है उसका वैल्यू होता है अप्रोक्स 1.1 इनटू 10 टू पावर 7 मीटर इनवर्स के बराबर, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा रिडबर्ग कांस्टेंट, तो ये क्या होगा वेवलेंथ 1 अपॉन लैम्डा या वेव नंबर यहां से आप निकाल सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में माइग्रेट करता है। नेक्स्ट यहां पे हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन की बात करेंगे, लाइमन बामर पाशन बेकेट फुंड हम्फ्री, तो यहां पर जो मेन पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है कि जो भी स्पेक्ट्रल लाइन है उसमें आप N1 का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं और N2 का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट यहां पे बताता हूं कुछ मेन स्पेक्ट्रल लाइंस लाइमर बामर पाशन तीन देख लेते हैं, बाकी तो यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू इनफाइनाइट। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है तो जो वेवलेंथ एमिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं लाइमन सीरीज के अंदर कंसिडर करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो वहां पे जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं लाइमन सीरीज का स्पेक्ट्रल लाइन। इसके लिए लोअर एनर्जी लेवल N1 होगा और हायर एनर्जी लेवल N2 क्या होगा 2 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। राइट, तो जब इलेक्ट्रॉन जब 2 से 1 में आ रहा हो तो हम बोलते हैं इसको फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से आ रहा हो तो इसको हम बोलते हैं लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से आ रहा होगा तो एनर्जी डिफरेंस मिनिमम होगा और वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा और वेवलेंथ क्या होगा मिनिमम होगा। राइट, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड स्टेट में आ रहा हो तो वहां पे हम क्या बोलते हैं उसको बाल्मर सीरीज बोलते हैं। अच्छा, ये लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रा वायलेट रेंज के अंदर होता है, यहाँ पे जो भी वेवलेंथ मिलेगा वो अल्ट्रा वायलेट के अंदर रहता है, यहाँ पे जो होता है वो विजिबल के अंदर होता है
तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से सेकंड स्टेट में आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाल्मर सीरीज। तो N1 का वैल्यू क्या होगा 2, N2 का वैल्यू क्या होगा 3 से इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, और जब इनफाइनाइट से 2 में आएगा तो इसको हम बोलेंगे लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, राइट। जब इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होगा और वेवलेंथ मैक्सिमम होगा, और जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 में आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस मैक्सिमम होगा और वेवलेंथ मिनिमम होगा। जब इलेक्ट्रॉन 3 से सॉरी इन हायर एनर्जी लेवल से 3 में आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पाश्चन सीरीज, जो कि किसकी रेंज में होती है, इंफ्रारेड रेंज में होती है। जब इलेक्ट्रॉन हायर से 4 में आ रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, ये भी किस में होती है, आईआर में। जब इलेक्ट्रॉन हायर से 5 में आ रहा हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, पीफोन, राइट। तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे हायर एनर्जी लेवल से N2 से 1 में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, N(n-1)/2, ये डायरेक्ट फार्मूला आप यूज में ले सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट में आता है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन वहां पे बनती है, टोटल टोटल कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बनेगी, N(n-1)/2 के बराबर। जब इलेक्ट्रॉन एक एक्साइटेड स्टेट से N2 से किसी दूसरी एक्साइटेड स्टेट में आता है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला केस क्या है, सपोज यहां से 5 से 1 में आ गया या 4 से 1 में आ गया या 3 से 1 में आ गया, तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेगी, N(n-1)/2। n क्या होगा, कौन सी स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन 5 से 2 में आ रहा है तो कितनी टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यहां पर मिलेगी, टोटल, तो कितना होगा, Δn(n+1)/2 के बराबर। तो Δn क्या होगा यहां पर, N2 - N2', राइट। तो यहाँ पे एक एक्साइटेड स्टेट से जब दूसरी में आएगा, सपोज 5 से 3 में आ रहा है, तो कितना नंबर ऑफ टोटल स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, डेल्टा एन क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा एन विल बी इक्वल टू 5 - 3, यानी 2 × 2 + 1/2। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन से मिल जाएगा, ठीक है। एक बोला गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ट्रांजिशन एमिट्स फोटोन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन हाइड्रोन लाइक स्पीशीज, और ट्रांजिशन आपको गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी बताना है। तो यहाँ पे हमें पता है वेव नंबर क्या होता है, न्यू इक्वल टू 1/λ इक्वल टू RHz² 1/N1² - 1/N2². तो अगर वेवलेंथ मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा यहाँ पर, मैक्सिमम। तो हम मिनिमम वेवलेंथ को देख लेते हैं कि मिनिमम वेवलेंथ आपको कहाँ मिल रही है। तो फर्स्ट बोला है आपको यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन इज सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। तो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की हम बात करें तो यहाँ पे बाल्मर सीरीज के लिए बोले, तो बाल्मर के लिए N1 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, 2 होगा, और यहाँ पर सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन की बात की जा रही है, तो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, बाल्मर का होगा जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड में आता है, 1, 2, 3, 4, तो सेकंड ये फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन होगा और ये सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन होगा। तो N1 का वैल्यू 2 और N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 हो जाएगा, ये बाल्मर के लिए हम बात कर रहे हैं। सेकंड बोला है यहाँ पे सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पाश्चन, तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया बाल्मर, सेकंड बोला है पाश्चन, तो N1 का वैल्यू कितना होगा 3 और N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पाश्चन एंड सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पाश्चन जब 5 से 3 में आ रहा है। एक बोला है फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हम्फ्री सीरीज, तो यहाँ पे थोड़ा हम हम्फ्री के लिए बात करें, तो हम्फ्री सीरीज कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन 1 में आता है तो लाइमन, फिर बाल्मर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट और फिर फोन। जब इलेक्ट्रॉन 5 में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हम्फ्री सीरीज। तो हम्फ्री सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां पर आ रहा है, 5 में आ रहा है। कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन की बात की, फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन 6 to 1, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन 7 to 2, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन 8 to 5, फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन 9 to 5, और सिक्स्थ स्पेक्ट्रल लाइन 10 to 5। तो यहाँ पे 10 to 5 की बात की जा रही है, तो N1 का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, और N2 का वैल्यू कितना होगा, 10 होगा, ठीक है। और बोला है फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइमन, तो N1 का वैल्यू 1 होगा, और फिफ्थ स्पेक्ट्रल लाइन 2 से 1 first, 3 से 1 first, 4 से 1 third, 5 से 1 fourth, and 6 से 1, तो N2 का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा,
ठीक है, तो आपको n1 n2 का वैल्यू मिल चुका है। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी। तो जहां पे वेवलेंथ मिनिमम हो वहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम। तो न्यू क्या होता है यहाँ पे, c बाय लैम्डा। तो आप क्या करेंगे, 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू देख लीजिए। तो जहां पे 1 अपॉन लैम्डा का वैल्यू मैक्सिमम होगा वहां फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मिनिमम। तो आपको 1 अपॉन लैम्डा कितना, RHZ स्क्वायर। तो RHZ स्क्वायर, तो RHZ स्क्वायर सब में सिमिलर है, 1 अपॉन फर्स्ट केस में 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 16। तो ये कितना होगा यहां पे, 16 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस 1, 3 by 16, तो RHZ square into 3 by 16 ये मिल जाएगा। Second case में बात करें, 1 upon lambda कितना होगा, RHZ square 1 upon n1 square, n1 कितना है 9, minus 1 upon n2 square कितना 25, तो कितना होगा, LCM ले लीजिए यहाँ पर 25, कितना हो जाएगा यहाँ पे 225 minus 9 कितना हो जाएगा 16, तो ये 1 upon lambda equal to RHZ square 16 upon 225। थर्ड केस में बात करें कितना होगा, n1 5, तो 1 upon lambda equal to RHZ square 1 upon 25 minus 1 upon 100, तो कितना होगा यहाँ पे, RHZ square 100 कितना होगा यहाँ पे, 4 minus 1 यानी 3 by 100 यही मिल रहा है क्या, 125 4 माइनस, ठीक है। एंड फोर्थ में कितना गिवन है, 1 एंड 6, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 36, तो कितना हो जाएगा ये, 35 अपॉन 36 आ रहा है क्या, यस 35 अपॉन 36, तो आर एच जेड स्क्वायर इनटू 35 अपॉन 36, राइट। तो यहां पे 35 अपॉन 36 3 बाय 100, 16 upon 225 and 3 by 16। तो यहाँ पे compare कीजिए कौन सा वाला value सबसे बड़ा है, जो value सबसे बड़ा होगा वहाँ पे frequency क्या होगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो fourth option आपके लिए answer हो जाएगा। Next given आपको wavelength of third end of bracket series in Hadron spectrum। तो आपको third end of bracket series की wavelength बतानी है। तो wavelength के लिए आपको n1 n2 पहले पता होना चाहिए। तो n1 क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो bracket series कब बोलेंगे यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा हो, जब हायर से फर्स्ट में आता है तो लायमन, फिर बार्मर, फिर पाशन, फिर ब्रैकेट। तो जब यहाँ पे फोर्थ स्टेट में आता है हायर से, तो उसमें क्या होता है, ब्रैकेट सीरीज। आपको कौन सी पूछी है यहाँ पे, थर्ड लाइन ऑफ ब्रैकेट सीरीज। तो थर्ड लाइन मीन्स ये हुआ फर्स्ट लाइन, 6 से 4 में आएगा तो सेकंड लाइन, फिर 7 से 4 में आएगा तो थर्ड लाइन, मीन्स 7 से 4 में इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। तो n1 क्या होगा 4 और n2 क्या होगा 7। तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर, आपको यहां से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कौन से एलिमेंट के, हाइड्रोजन एटम के लिए आपको बात की गई है, तो वैल्यू पुट कीजिए हाइड्रोजन के लिए, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन मीन 4 स्क्वायर 16 माइनस 1 अपॉन 7 स्क्वायर 49। तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन आपको नंबर ऑफ विजिबल लाइंस when an electron return from fifth orbit to ground state in hydrogen spectrum। तो fifth state to ground state visible line की बात की है। तो electron का movement कहाँ से हुआ है, fifth से one में हुआ है। तो visible line कहाँ पे मिलती है, Balmer series के अंदर ही मिलती है। तो हमें Balmer series की lines को calculate करना है। तो यहाँ पर fifth से one में आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ से वन में आ रहा है, बट हमें बाल्मर सीरीज की बात करनी है। तो बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन को कहां से लाना है, वन तक ले जाने की जरूरत नहीं है, वन का कैलकुलेशन में करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, टू तक ही करना है। तो जब इलेक्ट्रॉन फाइव से टू में आ रहा है तो कितने नंबर ऑफ विजिबल लाइन्स यहाँ पे मिलेगी, वही आपको कैलकुलेट करना है। तो फाइव से टू में कितने नंबर ऑफ यहाँ पे बाल्मर लाइन्स मिलेगी, तो वो कैसे निकालेंगे, डेल्टा एन टू डेल्टा एन प्लस वन बाय टू, बिकॉज हमें बाल्मर की ही बात करनी है, तो हम यहाँ पे वन तक लेके नहीं जाएंगे, हमें तो टू में ही आने पर इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे बाल्मर वेवलेंथ मिलेगी। तो बाल्मर विजिबल लाइंस कितनी मिलेगी वो आप देख लें, फाइव से इलेक्ट्रॉन को जब आप टू में माइग्रेट करेंगे तो कितनी यहाँ पर बाल्मर लाइन्स मिल रही है, डेल्टा एन क्या होगा 5 माइनस 2 यानी 3, 3 इंटू 3 प्लस 1 4 बाय 2 यानी कितना बाल्मर लाइन्स यहाँ पे मिलेगा, 6 बाल्मर लाइन्स मिलेगा। बट आपको क्या पूछा है, विजिबल लाइन्स की बात की है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से सेकंड स्टेट में आता है तो केवल 4 विजिबल लाइन्स आपको मिलती है, 4 लाइन्स मिलती है जो विजिबल रेंज में रहती है। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स मिलेगी वो देख लें, इलेक्ट्रॉन क्या 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 पॉसिबिलिटी है, 5 से 2 में आ जाए, 4 से 2 में आ जाए, 3 से
टू में आ जाएगा। इसके अलावा टू में आने की पॉसिबिलिटी हायर लेवल से कोई और है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर केवल तीन ही लाइन से जो यहाँ पे फोर से फाइव से टू में आ रही है, राइट। तो इतनी विजिबल लाइंस मिलेगी। यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइंस, राइट। तो जिसमें विजिबल भी आ जाएगी और इंफ्रारेड भी आ जाएगी, ठीक है। अब अगर टोटल लाइन में से आप इंफ्रारेड हटा दें तो आपको क्या मिल जाएगा, केवल विजिबल मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल लाइन आपने निकाली, आप चाहें तो 5 से 3 तक निकालें, तो 5 से 3 में कौन होगी, इंफ्रारेड होगी, क्योंकि यहाँ पे विजिबल के बाल्मर के अलावा पाशन बेकेट फोन हम्फ्री इनमें कौन सी होती है, इंफ्रारेड होती है। तो 5 से 3 के लिए आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 5 से 3 के लिए आपको टोटल लाइन मिलेगी जिसमें कौन सी होगी, इंफ्रारेड। तो जब 5 से 3 के लिए आप निकालेंगे तो इंफ्रा होगी, और जब आप 5 से 2 के लिए निकालेंगे तो इसमें विजिबल प्लस इंफ्रा आएगी, राइट। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इंफ्रा खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल विजिबल ही बचेगा। तो 5 से 3 के लिए कितनी लाइन से, चलिए देख लेते हैं। 5 से 3 में डेल्टा एन कितना होगा, यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 3 बाई 2, तो कितना होगा यहाँ पे 3। तो टोटल 6 थी यहाँ पे, विजिबल प्लस इंफ्रा, इंफ्रा कितनी है 3, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना मिल जाएगा 3। यहाँ से भी आप देखें तो भी कितनी लाइन मिल रही है, 3 ही मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट गिवन आपको वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ Li2+ आयन। तो वेव नंबर क्या है, 1/λ = Rz²(1/N1²-1/N2²), ठीक है। तो आपको बोला है वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो z यहां पर आपको 1 दे रखा है, कौन सा फर्स्ट लाइन का बात किया जा रहा है, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ Li2+। तो ये क्या है, वेव नंबर ही है। तो वेव नंबर किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहाँ पे z²(1/N1²-1/N2²). तो हम बात करें यहाँ पे किसके लिए, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए बात करें, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, तो फर्स्ट लाइन कब बोलते हैं, जब जस्ट ऊपर से आता है। तो बाल्मर के लिए N1 का वैल्यू क्या होगा, 2 होता है, तो N2 का वैल्यू जस्ट ऊपर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपको बोला गया है, व्हाट इज द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ Li2+, तो Li2+ के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर बात की गई है, तो N1 का वैल्यू 2 ही होगा और N2 का वैल्यू यहाँ पर 3 ही होगा। तो वेव नंबर किसके प्रोपोर्शनल जाएगा, z² के। तो यहाँ पर वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेव नंबर ऑफ Li2+ किसके बराबर, यहाँ पर z²/Li2+² हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है पुट कीजिए, आपको वेव नंबर कितना दे रखा है यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, 15200 अपॉन वेव नंबर ऑफ Li2+ आपको पूछा है, हाइड्रोजन के लिए z²(1), लिथियम के लिए z²(3²), तो वेव नंबर ऑफ Li2+ कितना हो जाएगा, 15200 × 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली ने क्या बताया, जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है, लाइटर पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल जिसका मास कम होता है, तो जब भी वो मूव करता है तो वहां पे वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ वहां पर जनरेट करता है, उसी वेवलेंथ का यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको बिल्कुल सिंपल सीधे क्लियर कट यहाँ पे फॉर्मूलास पता होने चाहिए। तो वेवलेंथ की हम बात करें, वेवलेंथ आप डी ब्रोगली इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, λ = h/v, बोला गया था कि जो वेवलेंथ होता है वो मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, h/mv, राइट। अब यहाँ पे अगर आप इसको काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखना चाहें तो लैम्डा क्या होता है, h/√2mke। अगर चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालते हैं, √2mq × v। v क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल। अगर ये हाई इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगा, डी ब्रोगली वेवलेंथ 12.3/√v या फिर √150/v angstrom, राइट। अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो इसका वेवलेंथ कितना होगा, 0.101/√v के इक्वल, राइट। उसके अलावा कि यहाँ पे जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है किसी ऑर्बिट के अंदर, तो वहां पे जो उसका सर्कमफेरेंस होता है 2πr, वो किसके बराबर, n λ के बराबर होता है। यहाँ से वेवलेंथ हम निकाल सकते हैं 2πr/n से, तो वेवलेंथ यहाँ पर भी आप कैलकुलेट किया जा सकता है। स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तो वहां पे उसका जो सर्कमफेरेंस है वो उसकी वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ वेवलेंथ प्रेजेंट होगी उसी नंबर का यहाँ पे ऑर्बिट होगा। तो कितने वेवलेंथ प्रेजेंट है यहाँ पे, 5 वेवलेंथ प्रेजेंट है, मींस ये ऑर्बिट क्या होगा,
फिफ्थ नंबर का ऑर्बिट यहां पर ये होगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको 0.66 केजी बॉल इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एसोसिएटेड वेवलेंथ, तो मास गिवन होगा, तो आप वेवलेंथ वहां पे डी ब्रोगली कांसेप्ट से निकालेंगे, तो लैम्डा क्या होगा h / mv, h क्या होगा 6.62 * 10 टू पावर माइनस 34 / मास कितना हो जाएगा इसका 0.66 केजी * वेलोसिटी कितना होगा 100 मीटर पर सेकंड। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया है यहां पे डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ बॉल ऑफ मास 1 केजी हैविंग काइनेटिक एनर्जी 0.5 जूल, तो यहां पे लैम्डा आपको निकालना है विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा क्या होगा h / √2 mke राइट, तो लैम्डा h का वैल्यू 6.62 * 10 टू पावर माइनस 34 / कितना है 2 * मास कितना दे रखा है आपको हमेशा मास केजी में ही पुट करना है 1 केजी का मास दे रखा है * काइनेटिक एनर्जी कितना दे रखा है यहां पे 0.5 जूल, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है हीलियम मॉलिक्यूल मूविंग विद अ वेलोसिटी, नेक्स्ट बोला गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ आयन विल बी इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो आप कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू 2πr/n, तो इस फॉर्मूले से आप क्या करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ को निकाल लेंगे। अब आपको बोला है कि यहाँ पे कब दोनों का डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर होगा, ठीक है, तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल होगा r/n के प्रोपोर्शनल, r क्या होगा 0.529 n² / z/n, तो ये लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा n/z के प्रोपोर्शनल, तो जिसका n और z का रेशियो इक्वल है n और z का वैल्यू बराबर है वहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा बराबर होगा, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+ विल बी इक्वल टू डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, यहां पे आपको चार ऑप्शन गिवन है चारों पुट करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है, तो लैम्डा क्या होगा n/z के प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा किसका इक्वल हो जाएगा वो देख लीजिए, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+, तो यहां पे Li2+ के लिए क्या होगा सेकंड ऑर्बिट ऑफ Li2+, तो ये 2:3 का रेशियो है, तो जिसमें 2:3 का रेशियो हो जाएगा वही आपका आंसर यहां पर मैच कर जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट आपको गिवन है n=3 ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर n कितना है 3, z का वैल्यू कितना होता है हाइड्रोजन के लिए 1, तो 3:1 है। सेकंड गिवन है n=4 ऑफ C+5 C यानी कार्बन, तो n का वैल्यू कितना है यहां पे 4 और यहां पे z कार्बन कितना होता है 6, तो कितना हो जाएगा 2:3, तो ये आंसर होना चाहिए थर्ड, ये आंसर होगा थर्ड। बोला है n का वैल्यू कितना है यहां पे 6 ऑफ B3+ ये कितना होता है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 उल्टा हो गया, और फोर्थ में क्या है n का वैल्यू 3 / हीलियम के लिए z का वैल्यू कितना था 2, तो ये कितना होगा 3/2, आपको क्या चाहिए 2:3 का रेशियो, तो सेकंड ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला है व्हाट पॉसिबली कैन बी द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर टू इलेक्ट्रॉन ईच हैविंग जीरो इनिशियल एनर्जी एंड आइसोलेटेड थ्रू 50 वोल्ट एंड 200 वोल्ट पोटेंशियल, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं 12.3 / √V फॉर्मूले से, तो 12.3 अब तो दोनों के लिए कॉमन रहेगा पोटेंशियल डिफरेंट है, तो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 का रेशियो क्या होगा V2 और V1 का, तो पोटेंशियल का रेशियो देख लीजिए कितना है 200 वोल्ट एंड 50, तो 200/50 कितना 4, तो 4√4/1 क्या होगा 2:1, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा आपको 2:1 का रेशियो मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एक ही टाइम पे उसका पोजीशन और मोमेंटम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसका लॉजिक क्या था कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पे इसे देखने के लिए हमें क्या करना होगा इसकी पोजीशन अगर पता लगाना है तो हमें इसका पोजीशन पता लगाने के लिए हम कैसे पोजीशन पता लगाते हैं बिल्कुल जैसे हम रडार के थ्रू किसी प्लेन का या किसी पर्टिकुलर रॉकेट का यहाँ पे पोजीशन पता लगाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे इसका पोजीशन पता लगाते हैं हम क्या करते हैं बाहर से कोई फोटोन इस पे प्रोजेक्ट करते हैं, वो फोटोन जब इससे स्ट्राइक करके वापस रिटर्न आता है तो हमें पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो यहाँ पे एक फोटोन हमें इस पर यहाँ पर क्या करना पड़ता है प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो फोटोन को यहाँ पर भेजना
फोटोन जब यहाँ पर इससे स्ट्राइक करके वापस रिटर्न आता है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि इसकी पोजीशन यहाँ पर किस जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन देखना है तो हमें फोटोन इस पे स्ट्राइक करना पड़ेगा, तो फोटोन में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, तो जब फोटोन इससे स्ट्राइक करेगा तो अपनी एनर्जी इसको सप्लाई कर देता है। तो जैसे ही फोटोन ने अपना एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को सप्लाई किया, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ही चेंज हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाता है। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, एक ही टाइम पर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका मोमेंटम कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ एरर रह जाती है, उसी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे इसने यहाँ पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में दिया है। तो इन्होंने बोला है डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, डेल्टा एक्स इज एरर इन पोजीशन, डेल्टा पी इज एरर इन मोमेंटम, राइट। चलिए इसके बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पे देख लें डेल्टा पी को, आप क्या लिख सकते हैं, एम डॉट डेल्टा पी भी पुट कर सकते हैं, एच अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन आपको इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज जीरो देन अर्थ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो हो गया तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या होगा इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डॉट डेल्टा एक्स। तो अगर डेल्टा एक्स जीरो हो गया तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। अगर मोमेंटम में एरर इनफाइनाइट है तो मोमेंटम का वैल्यू क्या होगा उसका तो आप मेजरमेंट ही नहीं कर सकते, यानी उसकी वेलोसिटी का वैल्यू भी आप मेजर नहीं कर पाएंगे। चलो मास तो फिक्स हो गया बट वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, बट किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, सेकंड बोला है यहाँ पे नेक्स्ट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन डेल्टा पी आपको गिवन है कितना है 1 × 10⁻¹⁰ केजी मीटर पर सेकेंड देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, डेल्टा एक्स क्या होगा एच अपॉन 4 पाई इनटू डेल्टा पी, तो 6.62 × 10⁻³⁴ अपॉन 4 × 3.14 इनटू डेल्टा पी कितना है यहाँ पर 10⁻¹⁰। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है आपको uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum then calculate uncertainty in velocity. तो आपको बोला गया है uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum. तो delta x क्या है 2 times of delta p है, तो आपको बोला है calculate uncertainty in velocity. तो velocity में आपको uncertainty बतानी है, तो delta x dot delta p क्या होगा यहाँ पर h अपॉन 4 पाई के इक्वल होगा। तो आपको क्या बताना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो हम क्या कर रहे हैं वेलोसिटी के लिए आपको क्या चाहिए डेल्टा पी चाहिए, तो हम डेल्टा x को क्या पुट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, तो यहां पे 2 को इधर भेज दें तो डेल्टा पी स्क्वायर क्या हो जाएगा h अपॉन 8 पाई, तो डेल्टा पी क्या होगा यहां पे रूट ऑफ h upon 8 pi के equal, तो delta p को m dot delta p लिख देंगे, तो delta p क्या बचेगा m को इधर भेज दीजिए 1 upon m under root h upon 4 pi 8 pi, 8 को क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 4 को बाहर ले लीजिए 1 upon 2 m under root 8 h upon 2 pi, तो क्या हो जाएगा uncertainty in velocity when uncertainty in position is 2 times of uncertainty of momentum। चलिए next बात करते हैं quantum number, एक्चुअली क्वांटम नंबर है क्या, ये कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर क्वांटम नंबर आपको पता है तो आप बता सकते हो कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, किस सब शेल में है, किस ऑर्बिटल के अंदर है और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा यहाँ पर कि जो क्या रिप्रेजेंट करता है शेल को रिप्रेजेंट करता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा, शेल को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एन पता है तो आपको क्या पता होगा रेडियस ऑफ ऑर्बिटल पता होगा, सॉरी रेडियस ऑफ ऑर्बिट पता होगा 0.529 n square upon z, यानी आपको ऑर्बिट का साइज पता है, राइट। अगर आपको n पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी पता होगा, यानी इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिट के अंदर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है वो आपको पता है। अगर n पता है तो आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल का कैलकुलेशन कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है इसके बराबर n square के बराबर होगा। अगर नंबर ऑफ n का वैल्यू पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल या ऑर्बिट कितना होगा 2n स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर n का वैल्यू पता है तो आपको ये चीजें पता होगी। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो क्या होता है nh upon 2 पाई, तो अगर आपको n का वैल्यू पता है तो आपको एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू भी पता होगा, राइट। सेकंड हम बात करें यहां पे एजीमुथल
क्वांटम नंबर, इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा एन का वैल्यू क्या होता है, 1, 2, 3, 4 होता है राइट, एल का वैल्यू 0 to n-1 होता है ठीक है। तो यहाँ पे जो L है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को रिप्रेजेंट करता है। S ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल होता है। P ऑर्बिटल का है वो डंबल होता है। D ऑर्बिटल डबल डंबल होता है। F होता है वो लीफ शेप होता है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करता है, सब शेप को रिप्रेजेंट करता है ठीक है। तो हर पर्टिकुलर सब शेप के लिए एल का वैल्यू फिक्स होता है। एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है राइट। पी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। डी ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। और एफ के लिए एल का वैल्यू क्या होता है, 3 होता है राइट। अगर आपको एल का वैल्यू पता है तो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड पता है। यहां से हम निकाल सकते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो कितना होता है, एच अपॉन 2π अंडर रूट एल इनटू एल प्लस 1 राइट। तो अगर हम s के लिए बात करें तो s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0। तो s के लिए एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। p के लिए बात करें, l का वैल्यू क्या होगा, 1 इनटू 1 प्लस 1, तो √2 इनटू h अपॉन 2π। तो p ऑर्बिटल के लिए, p ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, h अपॉन 2π √2। यहां पे आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो आपको यहाँ पर और रिप्रेजेंटेशन इसका मिल जाएगा। d के लिए अगर हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो l का वैल्यू क्या होगा, 2 × 2 + 2 यानी 3, तो यानी √6। तो h अपॉन 2π √6 मिल जाएगा। और f ऑर्बिटल के लिए हम बात करें, h अपॉन 2π, l का वैल्यू क्या है, 3 × 3 + 1 = 4 यानी 12 √12 ठीक है। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आपको मिल जाएंगे ठीक है। अगर आपको L का वैल्यू पता है तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपके पास सबशेल है सो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल ठीक है। इससे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबशेल इन ऑर्बिट क्या होगा, N के बराबर। तो अगर N का वैल्यू 1 है तो सबशेल कितना होगा, वहां पर 1 ही होगा। वो कौन सा होगा, s होगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो सबसे कितना होगा, 2। वो कौन सा होगा, snp होगा। अगर n का वैल्यू 3 है तो वहां पे सबसे कितना होगा, 3 होगा। कौन कौन सा, spnd। और n का वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ पे सबसे कितना होगा, 4 यानी spdnf हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसे कितना होगा, n इंटू सॉरी 2l प्लस 1 के बराबर राइट। तो 2l प्लस 1, तो यहाँ पे l का वैल्यू s के लिए क्या होता है, 0। इसको थोड़ा सा हम और क्लीन करके इधर लिख लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे s और ऑर्बिटल के लिए बात करें तो s के लिए l का वैल्यू क्या होता है, 0। p के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 1। d के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 2। और f के लिए l का वैल्यू कितना होता है, 3। तो अगर हम s के लिए बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल कितना होगा, 12 + 1 = 20 + 1 यानी 1, 2 × 1 + 1 यानी 3, d के लिए कितना होगा, 5, और f के लिए कितना होगा, 7 ठीक है। नंबर ऑफ ये हो गया सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल कितना, 12 + 1। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना होगा, 2 × 12 + 1। ऑर्बिटल सबशेल के अंदर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो जितने ऑर्बिटल होंगे उतने इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 ऑर्बिटल है तो 10 इलेक्ट्रॉन, और 7 है तो कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे। नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, यहाँ पे ओरिएंटेशन को बताता है कि यहाँ पे ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या क्या होगा ठीक है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू -L2+L होता है। तो यहाँ पे सबशेल के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे उतने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन यहाँ पर होंगे। तो s ऑर्बिटल में l का वैल्यू क्या होता है, 0। तो इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, केवल यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल 12 + 1 के अकॉर्डिंग केवल एक ऑर्बिटल आपको मिलता है राइट। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 × 12 + 1 यानी 2। तो इसके लिए m का वैल्यू क्या होगा, -L2+L। तो ये कितना होगा, यहाँ पर m का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी एक सिंगल वैल्यू यहाँ पर होगी। अगर हम p के लिए बात करें, l का वैल्यू कितना होगा, 1। कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, इसमें 3 होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 में 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे l का वैल्यू क्या होगा, -L2+L -1 0+1, 3 डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। 3 डिफरेंट वैल्यू क्यों मिलेगी, बिकॉज 3 यहाँ पर ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अगर हम d के लिए बात करें, l का वैल्यू कितना होता है, 2। तो कितने ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पे, 5 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। तो l का वैल्यू भी कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो 5 में कितने,
10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितना -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, नेक्स्ट f ऑर्बिटल l का वैल्यू क्या होता है, यहां पर 3 होता है, तो कितने ऑर्बिटल्स होते हैं यहां पर, 7 ऑर्बिटल, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 7 में कितना 14 इलेक्ट्रॉन, m का वैल्यू क्या होगा -l2+l -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3, तो कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल 7 ऑर्बिटल हो गए। तो m क्या रिप्रेजेंट करता है, यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर यहां पर इलेक्ट्रॉन के स्पिन को रिप्रेजेंट करती है, या तो क्लॉकवाइज स्पिन होगा या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, या तो प्लस हाफ वैल्यू होती है या माइनस हाफ वैल्यू उसकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं पॉली ऑफ द प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में, फर्स्ट ऑफ प्रिंसिपल की बात करते हैं। ऑफ प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर फिल करते हैं तो वहां पे इस तरीके से फिल किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है वो उस ऑर्बिटल में जाए जिसका एनर्जी कम होता है, फिर इंक्रीजिंग ऑर्बिटल इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन को फिल किया जाता है। तो इसके लिए इन्होंने हमें एक डायग्राम दिया जो बहुत ईजी भी है और जिसके थ्रू हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर और हम बात करें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसमें फिल होगा, 1s देन 2s देन 2p देन 3s देन 3p देन 3d सॉरी 4s सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में फिल होता है, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s में, देन 3p, देन 4s, देन 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p एंड 6s, देन 4a, 5d, 6p एंड 7s, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी कम हो, देन फिर इलेक्ट्रॉन उसमें फिल किया जाता है जिसकी एनर्जी ज्यादा हो। तो ये हम किसके लिए बात करें, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। नेक्स्ट यहां पे n + l रूल भी दिया, ये n + l रूल क्या बोलता है कि जिस और बैटरी लिए n प्लस n का वैल्यू कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाएगा, और जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को बाद में फिल किया जाएगा। अगर किसी दो और बैटरी के लिए n प्लस l का वैल्यू सिमिलर हो जाता है तो उस और बैटल में इलेक्ट्रॉन को पहले फिल किया जाता है जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है। तो एग्जांपल देखते हैं, सपोज 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d डिफरेंट डिफरेंट है, n का वैल्यू कितना होगा 1 2 2 3 3 3 4 4 4, l का वैल्यू क्या होगा 0 0 1 0 1 2 1 1 2, और n प्लस l क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 plus 0 1 2 plus 0 2 2 plus 1 3 3 plus 0 3 3 plus 1 4 3 plus 2 5 4 plus 1 5 4 plus 1 5 and 4 plus 2 2। तो यहाँ पे जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाता है 1s में, देख लीजिए 1s, देन फिर यहाँ पे 2s में फिल किया जाएगा सेकंड नंबर पे, देन इन दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू सिमिलर है तो किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किया जाएगा जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है, देन फिर थर्ड नंबर पे इसमें फिल किया जाता है, फोर्थ नंबर पे इसमें, फिर फोर यहाँ पर भी है और यहाँ पर इसके अलावा 3p, देन फिर 3p में फिल किया जाएगा, देन फिर 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, इन तीनों में 5 की सॉरी कोई मिस्टेक हुआ, यस यहाँ पे कितना होगा 0, तो ये क्या होगा 4। तो यहाँ पे n प्लस l के अकॉर्डिंग तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गया, देन फिर इसमें फिल होगा, राइट, देन फिर इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा जिसके लिए n प्लस l का वैल्यू कम हो, n प्लस l सिमिलर है तो जिसके लिए n का वैल्यू कम होता है तो यहाँ पे इसमें देन फिल होता है, देन फिर इसमें फिल होता है, राइट। तो ये सिंपल सा लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हुंस रूल की बात करें, हुंस रूल क्या बोलता है कि जब भी आप एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हो तो सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते टाइम आपको 1 by 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पे जो भी ऑर्बिटल है उसमें सभी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है सिमिलर होता है। तो अगर हम किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं, सपोज यहाँ पे डी ऑर्बिटल के डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो डी सबशेल के सभी ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होता है सिमिलर होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो एनर्जी का वेरिएशन होता है वो कब होता है जब इलेक्ट्रॉन एंट्री कर जाता है उसके बाद, तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है यहाँ पे सिमिलर है तो हर ऑर्बिटल का एनर्जी सिमिलर है, तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर किसमें फिल होगा, यहाँ पे इनमें से पांचों में से कोई से भी ऑर्बिटल में फिल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल होगा तो पहले 1 by 1 करके फिल होता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ पे डी में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट यहाँ पे फिल कर दें, या हम बात कर रहे हैं सपोज 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ फिल कर दें या फिर
यहाँ फिल कर दें, एक ही बात है, कंटिन्यू मैनर में भी फिल कर सकते हैं और यहाँ पे इनमें गैप भी रख सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं उनका जो ओरिएंटेशन है वो क्या होना चाहिए, सिमिलर ही होना चाहिए, ओरिएंटेशन में वेरिएशन नहीं होना चाहिए, यानी इनका स्पिन क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ये भी सही है। और आप चाहें तो यहाँ पे इनको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में भी फिल कर सकते हैं, तो ये भी अरेंजमेंट क्या है, सिमिलर है। तो एक बार और यहाँ पे जो भी सबसे वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो एक बार हाफ फिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होती है। और बोला गया है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और मल्टी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, इसकी वजह से यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी में वेरिएशन आता है, वो आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे या वहां पर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यहाँ पर किसी भी एटम के किसी भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी सिमिलर नहीं होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम तीन सिमिलर हो सकती है, फोर्थ तो डेफिनेटली डिफरेंट ही होगी। तो एग्जांपल हम देख ले, सपोज आपको गिवन है नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2s2 2p6 2p4 राइट। तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन, सपोज इसके दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए n और l का वैल्यू क्या होगा, n l m s चारों वैल्यू ले लें तो n का वैल्यू क्या होगा, 2, दोनों के लिए n का वैल्यू 2 है, l का वैल्यू दोनों के लिए क्या होगा, 0, m का वैल्यू दोनों के लिए क्या होगा, 0, बट एक के लिए s का वैल्यू प्लस हाफ होगा और एक माइनस हाफ होगा, एक क्लॉकवाइज होगा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो चारों प्रिंसिपल क्वांटम, चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी यहां पर सिमिलर नहीं हो सकता, मैक्सिमम तीन सिमिलर होगी, फोर डेफिनेटली डिफरेंट ही होगी। तो अभी जो हमने अपर प्रिंसिपल में बात किया कि 1s2s2p देन 3s देन 4 देन 3p देन 4s, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, तो ये मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की हम बात करें कि जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पे हमने बात की थी जब इलेक्ट्रॉन बोर्ड थ्योरी हमने देखा था, तो वहां पे हमने ऑर्बिट की एनर्जी की बात की थी, शेल की एनर्जी की बात की थी, वहां पे सबशेल की एनर्जी की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी का वेरिएशन होता है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से होता है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में केवल एक ही वहां पर इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पर जो एनर्जी होती है वो ऑर्बिटल का क्या होती है, पर्टिकुलर शेल के ऑर्बिटल का सबका सिमिलर होता है, केवल ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम की बात करें फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, तो यहाँ पे सबसे जो कम एनर्जी होती है वो 1s की होती है, देन 2s और 2p की एनर्जी क्या होगी, सिमिलर होगी, क्योंकि यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा ही नहीं, तो वहां पे ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, सिमिलर होगा। देन 3s 3p 3d का एनर्जी क्या होगा, सिमिलर। देन 4s 4p 4d 4f इन ऑर्बिटल का एनर्जी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो अगर डीजेनेसी की हमने बात की है कि डीजेनेसी क्या होती है, यहाँ पर पर्टिकुलर सबशेल के अगर जो डीजेनेटेड ऑर्बिटल क्या होते हैं, पर्टिकुलर शेल के जो पर्टिकुलर सबशेल के जो ऑर्बिटल होते हैं जिनका एनर्जी सिमिलर होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीजेनेटेड ऑर्बिटल। अगर मैं पी की बात करूं, पी में कितने डीजेनेटेड ऑर्बिटल होते हैं, 3। डी की बात करूं, कितने डीजेनेटेड ऑर्बिटल होते हैं, 5। एफ की बात करें, कितने डीजेनेटेड ऑर्बिटल होते हैं, यहाँ पर 7। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है ग्राउंड स्टेट में और मैं इसको एक्साइटेड करके सेकंड स्टेट में भेज दूं, तो सेकंड स्टेट में कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, बिकॉज इन सभी ऑर्बिटल का एनर्जी सिमिलर है, तो यहाँ पे कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होंगे, 4। अगर मैं फर्स्ट से यहाँ पे इसको थर्ड स्टेट में भेज दूं, तो यहाँ कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होंगे, सभी ऑर्बिटल का एनर्जी सिमिलर है, तो 1 + 3 + 5 यानी कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल होंगे, 9 होंगे। तो इसमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का डीजेनरेसी कितना होगा, 4। इसमें सेकंड एक्साइटेड स्टेट का डीजेनरेसी कितना होगा, 9। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का डीजेनरेसी कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं नोड और नोड की, रेडियल नोड की, एंगुलर नोड की। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन बनते हैं वो केवल फॉर्मूला बेस्ड बनते हैं। नोड क्या होता है, ऑर्बिट में जो भी लोकेशन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है वो क्या बोला, उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो जो सेंटर ऑफ ऑर्बिटल होता है, जैसे हम पी ऑर्बिटल के सेंटर की बात करें डंबल शेप होता है, डी ऑर्बिटल के सेंटर की बात करें डबल डंबल शेप होता है, तो पी ऑर्बिटल का जो सेंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। रेडियल नोड क्या होगा, जब आप सेंटर से आर डिस्टेंस का लोग मूव कर रहे हैं तो और आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो मिल जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडियल नोड। हमें जस्ट यहाँ पे फॉर्मूले की कैलकुलेशन करनी है, नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होगा, n - l - 1, नंबर ऑफ एंगुलर नोड क्या होता है, इक्वल टू n, और टोटल नंबर ऑफ नोड क्या होते हैं, टोटल नोड क्या होता है, यहाँ पे दोनों का एडिशन कर दीजिए तो ये क्या होगा, n - 1, राइट। तो अगर हम 1s 2s 2p 3s 3p 3d की बात करें, और रेडियल नोड कितना होगा यहाँ पर, n - l - 1, एंगुलर नोड क्या होगा यहाँ पे, l के बराबर, और टोटल क्या होगा यहाँ पर,
एन माइनस वन के बराबर। तो रेडियल नोड कितना है 1s, 1 माइनस 0 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 माइनस 0 माइनस 1 रेडियल नोड कितना होता है 0, मींस 1s में कोई रेडियल नोड नहीं होता, एंगुलर नोड भी नहीं होता, तो टोटल नोड भी कितना होगा यहाँ पे 0। 2s की बात करें 2 माइनस 0 माइनस 1, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 इसमें कितना रेडियल नोड होता है 1 होता है, कितना एंगुलर नोड होता है 0, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, कितना टोटल नोड होगा 1 होगा। 2p में कितने रेडियल नोड होंगे आपको बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही बनते हैं, तो 2p में कितना होगा 2 माइनस 1, 1 माइनस 1 यानी 0, एंगुलर नोड कितना होगा 1, तो टोटल नोड कितना होगा 2 माइनस 1 मींस 1। 3s में कितना होगा 3 माइनस 0 माइनस 1, 2 रेडियल नोड होते हैं, एंगुलर नोड कितना होगा 0, तो 3 माइनस 1 कितना टोटल नोड होता है 2 होता है। 3p में कितना होगा 3 माइनस 1 माइनस 1 यानी 1 रेडियल नोड होता है, एंगुलर नोड कितना होगा l के बराबर यानी 1, तो यहां पे कितना हुआ और 1 और 1 कितना हुआ 2, ऐसे भी देख लें 3 माइनस 1 कितना हुआ 2। अगर 3d की बात करें कितने रेडियल नोड होंगे 3 माइनस 2 माइनस 1 0, कितना एंगुलर नोड होगा यहां पर 2 के बराबर, तो 3 माइनस 1 कितना 2। तो इस तरीके से आप रेडियल नोड और एंगुलर नोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा जो हमने ये लास्ट वाला टॉपिक पढ़े हैं शायद थ्योरेटिकल है, यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, सारी थ्योरी पता होगी तो ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसकी थ्योरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और जब भी आपके यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं लाइक प्लांक्स थ्योरी है या फिर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है या बोर्ड थ्योरी है या डी ब्रोगली है, इन सबको आप अच्छे से पढ़िए। जो मेन टॉपिक है वो ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हमने पढ़ा है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपको आते हैं। ठीक है, तो मेरी आपको शुभकामनाएं, आप अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से क्वेश्चन को लगाइए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे सक्सेस को गेन कीजिए। ठीक है, नमस्कार।